रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 4 साल बाद बना ऐसा संयोग, रक्षाबंधन पर नहीं है भद्रा का साया। जानिए राखी का शुभ मुहूर्त, रक्षाबंधन 4 साल बाद बना संयोग, 11 घंटे बंधेगी राखी। इस बार भाई बहन के प्रेम में भद्रा नहीं बनेगा बाधक। इस बार रक्षाबंधन पर नहीं है भद्रा का साया। भोपाल, भाई बहन के अटूट प्रेम के त्योहार रक्षाबंधन पर इस बार भद्रा बाधक नहीं बनेगा। इस बार 11 घंटे 26 मिनट तक बहनें भाइयों को राखी बांध सकेंगी। दरअसल इस बार भद्रा 26 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। इससे दिन भर रक्षाबंधन का पर्व रहेगा, रात में भी बांधी जा सकेगी राखी। यही नहीं, सूर्योदय व्यापिनी तिथि मानने के कारण रात में भी राखी बांधी जा सकेगी। 4 साल बाद ऐसा संयोग बना रहा है कि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। ब्रह्म ज्योतिष संस्थान के पंडित जगदीश शर्मा के मुताबिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा 25 अगस्त दोपहर 3:15 बजे से 26 अगस्त को शाम 5:30 बजे तक रहेगी। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 12:35 बजे तक रहेगा। वहीं 26 अगस्त को पूर्णिमा शाम 5:26 तक होने से यह त्योहार पूरे दिन मनाया जाएगा। ज्योतिष विद्वानों का मानना है कि श्रावण पूर्णिमा ग्रहण से मुक्त रहने के चलते त्योहार सौभाग्यशाली रहेगा। वहीं रक्षाबंधन के दिन धनिष्ठा नक्षत्र होने से पंचक रहेगा, राखी बांधने में यह बाधक नहीं रहेगा। राखी का शुभ मुहूर्त 26 की सुबह 5:59 से शाम 17:12 तक मुहूर्त की अवधि, 11:26 रक्षाबंधन में दोपहर का मुहूर्त, 13:39 से 16:12 तक मुहूर्त की अवधि, 2:33 क्या है पंचक। धनिष्ठा से रेवती तक 5 नक्षत्रों को पंचक कहा जाता है, जो कि 5 दिनों तक चलता है। भ्रांति है कि इसमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि पंचक में अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इसमें शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनकी 5 बार पुनरावृत्ति होती है। पूर्व में इनके सूर्य में आने से इसकी महत्वता और बढ़ गई है। चंदन से राखी, ड्राई फ्रूट से बनाए गणेश युवा प्रकोष्ठ, गायत्री शक्ति पीठ द्वारा शुक्रवार से स्वदेशी राखी और इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यशाला में सैकड़ों बच्चों ने गणेश प्रतिमा बनाई, साथ ही छात्रों ने स्वदेशी राखी बनाना सीखा। स्वयं से बनाई निर्मित राखी कार्यशाला में स्वदेशी राखी तुलसी, रुद्राक्ष, चंदन के दाने से रेशम, सूती धागे द्वारा बनाई गई इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा सुपारी ड्राई फ्रूट पेपर मेशी मिट्टी से बनाई। विद्यार्थियों ने शपथ ली कि राखी का त्योहार स्वदेशी राखी स्वयं से बनाई निर्मित राखियों द्वारा ही मनाएंगे। बच्चे अपने हाथों से बनाई गणेश प्रतिमा को घर ले गए और संकल्प लिया कि वे लोगों को भी इको फ्रेंडली त्योहार मनाने के लिए प्रेरित करेंगे।